कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से आज 4 कांवड़िए बुरी तरह से झुलस गए। कांवड़िए 35 फीट ऊंची कावड़ लेकर हरिद्वार से दिल्ली जा रहे थे। बागपत फ्लाई ओवर पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में वह आ गए। सभी कांवड़िए सुभारती अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। दरअसल दिल्ली के शालीमार बाग हैदरपुर के 14 कांवड़िए हरिद्वार से 35 फीट ऊंची कांवड़ लेकर जा रहे थे। मेरठ में बागपत फ्लाई ओवर पर वे हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। इससे कांवड़ में आग लग गई। गनीमत यह रही कि कांवड़ खरपच्ची से बनी हुई थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बीते साल भी मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। मंगलवार को हुए इस हादसे में झुलसे लोगों की पहचान करण, विष्णु, इंद्र, अमन, संजीव, सुरेंद्र के रूप में हुई है। इस बारे में SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी। देखिए, थाना टीपीनगर क्षेत्र में बागपत फ्लाईओवर पड़ता है, वहाँ से एक कावड़ निकल रहे थे जिसको कुछ लोग उठाए हुए थे। ये कावड़ जब ये 33,000 KV की लाइन जा रही थी, उसके नीचे से जब निकली तो उससे करंट इनके कावड़ में उतर गया था और जिससे 3 लोग इंजर्ड हुए। इन तीनों ही लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, जहाँ इनकी कंडीशन सेफ है, उन्हें मामूली चोट आई हुई है और जो बाकी लोग हैं उनको भी जो प्राथमिक उपचार दिया गया है और सभी की हालत खतरे से बाहर उठाई जा रही है। ये जो नॉर्मल कावड़ ये लोग जो कंधे पे लेके जाते हैं वो थी और करीब इसकी हाइट 20 से 24 फुट के आसपास है और ये जब 33,000 KV के आस नीचे से निकल रहे थे और करीब 5 से 6 फुट नीचे रहा होगा, इन्होंने एक वायर बांधा हुआ है कावड़ में जिसकी वजह से जो ये हाई टेंशन वायर है उससे करंट इनके उसमें उतर गया था और ये लोग जैसे मैंने बताया 3 लोग इसमें घायल हैं और इनको मामूली चोट आई है, इनको उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।